अस्सलामुअलैकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द बिबलिंग फिनोमेना। बिबलिंग फिनोमेना जो है ये एसईक्यूज और वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं, हमारे पास कल में दो टेबल्स होती हैं, एक इनर टेबल होती है, एक आउटर टेबल होती है। जैसे मैंने डायग्राम, ये फॉर एग्जांपल स्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे ब्रेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो स्कल में हमारे पास स्कल की जो बोन होती है उसकी आउटर टेबल होती है और इनर टेबल होती है, ठीक है। ये पेपर में डायग्राम अगर आएगा तो आप ये टेबल में ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एंट्री की बॉन्ड करते हैं। ये एंट्री साइड है, ये एग्जिट साइड है। जब एंट्री यहाँ से बुलेट अंदर जा रही होती है ना, तो ऑब्वियसली जब यहाँ से अंदर जाएगी तो ये आउटर टेबल है, ये इनर टेबल है। तो इसके जो आउटर टेबल, जब बुलेट अंदर जा रही है ना, तो इसके सपोर्ट में ना पीछे जो है वो इनर टेबल है ना, तो इसकी वजह से जो ये एंट्री होगी ना, ये ओवल होगी और रेगुलर होगी। जबकि यहाँ पे जब वो जाएगा ना, तो इसके बैक पे तो कोई सपोर्ट नहीं है ना, तो ये जगह जो होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जिट पॉइंट की बात करते हैं। एग्जिट में जब हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो इनर टेबल होगी इसके सपोर्ट में आउटर टेबल बाहर मौजूद है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो ये जगह जो होगी ये हमारे पास रेगुलर होगी और ओवल होगी, जबकि ये इरेगुलर होगी। मतलब सिर्फ देखना है, ये जो है इसके सपोर्ट में ये चीज़ है, मतलब इनर टेबल है, और इसके सपोर्ट में जो इनर टेबल है इसके सपोर्ट में आउटर टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल होंगे और ये हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर और लार्ज होंगे, ठीक है। दैट्स इट। और अगर समझना है आप एक बार फिर रिवाइंड करके वीडियो देख लें, इट्स गोना बी रियली इजी फॉर यू। थैंक यू।